टीवी इज अ डिमांडिंग इंडस्ट्री, आपको एवरी डे टेलीकास्ट करना है, पहले तो 5 days a week था, नाउ इट्स 7 days, आपको आज शूट करना है कल दिखाना है, तो वो तो टैक्सिंग हो गई। आप टीवी कर रहे हो तो सोच लो भाई, मैं नजबलिए के सेट पे रिक्शा में जाता था एंड पीपल यूज्ड टू वंडर कि नाउ कितना कंजूस है, पर कंजूस नहीं, आई वाज ग्राउंडेड, मेरे को पता मैं इस लेवल पे हूँ, इससे नीचे गिर नहीं सकता, मैं यहाँ चढ़ूंगा तो गिरूंगा। सो मेरे से पैसा ले लो कि मैं बता रहा हूँ, मेरे जो भाई भाई शोज में बनते थे उन्होंने गाड़ी खरीद दी है। ये शो आया मेरे पास, आई वॉज सो हैप्पी, एक तो कैरेक्टर मुझे ऐसा प्ले करने को मिल रहा है, प्लस स्वागत है सर आपका दिल्ली चक्कर पर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सबसे पहले तो अपनी जवानी का राज बताइए, कैसे इतने मेंटेन हो और आज भी कैसे ही वही पहले जैसे दिख रहे हो आप? यार आई थिंक इट्स माय लाइफस्टाइल, पहले तो मैं इतना बूढ़ा नहीं हूँ, मैंने शुरुआत जल्दी की थी मैंने इंडस्ट्री में, आज मुझे 19 साल हो गए एंड जो भी मुझसे ये सवाल पूछता है हाउ डू यू लुक द सेम, मैं यही बोलता हूँ हेल्दी लाइफस्टाइल, रेगुलर वर्कआउट, गुड फूड, गुड डाइट एंड यू हैव टू बी हैप्पी। अगर आप अंदर से खुश हो तो वो आपकी स्किन में नजर आता है, सो आई थिंक आई एम अ हैप्पी सोल एंड दैट्स व्हाट माय स्किन रिफ्लेक्ट्स। ओके, हाउ ओल्ड यू वर व्हेन यू स्टार्टेड एक्टिंग? दैट्स अ मिस्ट्री, वो मैं नहीं बताना चाहूंगा वरना लोग मेरे एज कैलकुलेट करने लगते हैं। अभी भी सेट पे हर दिन यही बात होती है कि नमन व्हाट्स योर एज, लाइक दैट्स अ मिस्ट्री। डोंट टेल मी, दीपिका इज आस्किंग, हां दीपिका पूछ रही होगी हमेशा। हां हां दीपिका ने भी दो तीन बार पूछा, सब पूछ रहे मुझसे कि आपका एज क्या है। कुछ लोग तो ये भी बोलते यार मैं बहुत छोटा था जो आपको देखा था पहली बार। नहीं मैं भी वही बोलने वाला था, आई वाज इन 6th, मैं भी बहुत छोटा था, मुझसे बाल मजदूरी कराया गया है। नहीं बट एट दैट टाइम यू वर लुकिंग लाइक प्रॉपर मैच, यू नो व्हाट, वो एरा ऐसा शुरू हुआ था व्हेन यू एंटर्ड इन द इंडस्ट्री टीवी पर कि तब ना स्टाइलिश यू नो जैकेट वैकेट पहनने वाले, उसके पहले कैसे फॉर्मल सूट बूट कोट वोट पहना के खड़ा कर दिया जाता था लीड एक्टर्स को और एक्टर्स को, पर आपका एंट्री करना, करणवीर भी है उसी दौरान आए हैं, यू नो एंड ही स्टार्टेड फ्रॉम कसौटी एज वेल, सो आप लोग यू पीपल केम अप विद द स्टाइल and arrogance, rich बिगड़ा हुआ लड़का जिसकी स्टाइलिंग बड़ी अच्छी है। ठीक है, मैं रिच था पर बिगड़ा हुआ नहीं था, और हाँ वो जैकेट्स और वो पहनते थे पर वो बॉम्बे की गर्मी में और हमारे सेट में जो गर्मी होती है उसमें बहुत वाट लगती थी हमारी। इनफैक्ट मुझे याद है एक बार हम लोग दुबई भी शूट करने गए थे और वो कपड़े यही वाली दे दिए थे मुझे दुबई के, मतलब 50 डिग्री टेम्परेचर में मुझे वो जैकेट डाला था पहना दिया था उन्होंने और मुझे स्किन इन्फेक्शन हो गया था उसकी वजह से, तो हाँ वाट लगती थी बट उस समय बहुत कूल लगता था वो जैकेट वैकेट। हाँ वो बड़ा एक स्टीरियोटाइप टूट रहा था ना। हाँ टूट रहा था, पर अभी भी मुझे कुछ लोग इंस्टाग्राम में टैग करते हो पुराना वीडियो तो अब देखता तो लगता है बहुत वियर्ड लग रहा है यार, क्या क्या जैकेट पहन रखा है मैंने और अजीब से लंबे बाल थे, किसी किसी शोज में मुझे कान में बाली भी पहना थे, लेंस भी पहनता था मैं और बहुत प्रॉब्लम होती थी लेंस पहनने में, मुझे आता नहीं था लेंस पहनना। और जब हम लोग लेट नाइट शूटिंग कर रहे हैं, आप रेस्ट कर रहे हो, वैनिटी में अचानक से आपका शॉट आ जाता है, आपको लेंस पहनना पड़ता था और इट वाज अ पेन। गॉड, व्हिच वन वाज योर फेवरेट शो अमंग ऑल के शोज? कसम से डेब्यू शो था मेरा, लोगों को बहुत पसंद था कैरेक्टर, आज भी मैं अभी गैंगटॉक गया था लास्ट ईयर मेरे वेब सीरीज के शूट के लिए एंड मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, मुझे लगा लोग भूल गए होंगे अब तक, पर सबको वही याद था एंड पीपल वर कमिंग अप टू मी, अरे पुष्कर पुष्कर पुष्कर, मतलब 19 साल हो गए इस शो को एंड स्टिल आई गेट लव फ्रॉम दैट शो, आई स्टिल गेट रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम दैट शो, सो कसम से इज ऑलवेज माय फेवरेट। ऑल्दो उसमें कितने 3 बहनें एंड देयर वाज राम कपूर तो ही थे एंड देन यू वेयर देयर एंड देयर वन मोर एक्टर वाज देयर, बट ना व्हेन इट कम्स टू ना एक सीधा भोला बेचारा दामाद जिसे हम कहते हैं, क्योंकि हर एक में प्रॉब्लम था बट यू वर लाइक क्लियर, कोई बैक हिस्ट्री नहीं। मैं हमेशा ज्यादातर मुझे वो श्रवण कुमार वाले रोल्स ही मिले हैं, मेरी शक्ल ही ऐसी है कि मुझे हमेशा प्यारा स्वीट बॉय मिला है। बट अब जो मैं शो करने वाला हूँ फर्स्ट टाइम मुझे समथिंग ग्रे समथिंग कुछ अलग करने का मौका मिला है, वरना सारे शोज 90% इट इज ऑलवेज बीन अ गुड बॉय वाला। अच्छा मुझे बताइए कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद बालाजी फिल्म्स, मतलब बालाजी टेली फिल्म्स आई थिंक। मेरी शुरुआत बालाजी से हुई थी एंड 2005 से 2010 आई वाज डूइंग ओनली बालाजी, द काइंड ऑफ फेम रिकॉग्निशन मनी आई थिंक आई ओन एवरीथिंग टू बालाजी राइट नाउ, मतलब जैसा सक्सेस मैंने बालाजी में देखा 2011 के बाद मैं बालाजी के शोज नहीं कर रहा था, वैसा रिकॉग्निशन वैसा फेम मुझे दोबारा नहीं मिला,
ऑफ कोर्स इट वाज हार्ड वर्क, मतलब बहुत मेहनत थी उसमें बालाजी में, एक साथ में दो दो तीन तीन शो करता था एंड टीवी इज डिमांडिंग, तो हाँ शूटिंग आवर्स थोड़े से लंबे होते हैं वहाँ पर, और आप तीन शो कर रहे हो, मेरी चॉइस थी तो ऑफ कोर्स आपको तीनों शो को टाइम देना होगा, तो आप पैसे भी बना रहे हो तो यू कांट कंप्लेन, तो ऑफ कोर्स ऑन माय बॉडी इट वाज टैक्सिंग बट इट वाज माय चॉइस, मुझे पैसे कमाने थे तो मैंने तीन शोज लिए, अब तीन शोज लिए हैं तो आपको तीनों में टाइम देना होगा, करेक्ट। सो बट उस समय यंग था, आई कुड डू इट एंड आई वाज एंजॉयिंग द फेम, आई वाज एंजॉयिंग द मनी, सो मेरे लिए तो बहुत अच्छा था। In fact, I was doing all top shows. I was part of क्योंकि कसौटी कसम से एक साथ में तीन तीन शो कर रहा था एंड ऊपर से उन शोज के बदौलत मुझे रियलिटी शोज मिल रहा था, then I was doing Nach Baliye, I was doing Ticket to Bollywood, I was doing so much work. So वो एक अलग ही दौर था, पता नहीं आज मुझे कोई बोले तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, फिजिकली मैं नहीं कर पाऊंगा, पर उससे मैं था ना नया नया जोश, I was a spoiled kid back home in Calcutta. किसी ने मुझसे जिंदगी में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं लाइफ में कुछ करूंगा, तो वो एक पॉइंट था जब मुझे प्रूव करना था सी आई एम डूइंग इट, फिर स्टार बन गया, हाँ स्टार बन गया, इतना सारा शोज कर रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ, तो वो जोश जोश में हो गया, कोई आज मुझे बोले 12 घंटा से ऊपर मैं नहीं कर पाऊंगा। अच्छा मुझे ये बताइए, बीच में जो खबरें आई थी, रूमर्स आए थे कि बालाजी एक्टर्स को बहुत रखड़ता है, बहुत काम करवाता है, पेमेंट डिले होता है, ये सारे अफवाहों में कितना सच था या कभी आपने एक्सपीरियंस किया है? सी मैंने तो उनके साथ 2010 तक काम किया, पेमेंट आई थिंक 2010 तक की बात है, उसके बाद मुझे नहीं पता अब क्या है। बालाजी से अच्छा पे मास्टर कोई नहीं है, 45th डे में हमें पेमेंट आता था। यस वर्किंग आवर्स, टीवी इज अ डिमांडिंग इंडस्ट्री, आपको एवरी डे टेलीकास्ट करना है, पहले तो 5 डेज अ वीक था, नाउ इट्स 7 डेज, आपको आज शूट करना है कल दिखाना है, तो वो तो टैक्सिंग हो गई। आप टीवी कर रहे हो तो सोच लो भाई थोड़ा सा गधा मजदूरी है, आपको करना पड़ेगा, आप नहीं शूट करोगे तो टेलीकास्ट नहीं जाएगा, हाउ डू यू डू दैट? सो आप जानकर ही आते हो इस फील्ड में, एंड इफ यू आर प्लेइंग अ मेन लीड यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, आप 90% सीन्स में हो तो वो एक्सेप्ट करके आओ। ये बोलना कि अरे आप नहीं करोगे लीव द शो, हजार लोग खड़े हैं यहाँ पर लाइन लगा के, करेक्ट, तो हमें पता है इट्स गोना बी लाइक दैट एंड इट्स नथिंग इज गोना चेंज। अब बालाजी में कैसा है पता नहीं, हमारे टाइम ऑफ कोर्स यस थोड़ा सा टैक्सिंग था, बट इट वाज माय चॉइस कि मुझे तीन शो करना है, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे फेम चाहिए, फेम चाहिए मतलब आसान नहीं है, मतलब कुछ भी आसान नहीं होता। सो बहुत सारे एक्टर्स ऐसे भी हैं जिनको मैं मिला हूं, जैसे कि मुझे बालाजी ने बनाया है, सो आर यू अमंग फ्रॉम देम कि जो कहते हैं आज भी सीना ठोककर कि हाँ मैं मुझे बालाजी ने बनाया? 100% मैं तो ये बोलता हूँ कि मैंने कितने दोस्तों को अपना स्ट्रगल करते हुए देखा है, मतलब मैं एक रियलिटी शो से आया था जी सिने स्टार की कोच, हाँ आई वॉज द फर्स्ट वन टू गेट वर्क, फर्स्ट वन टू गेट सच अ बिग शो, मतलब कसम से वॉज वन टू बिगेस्ट शो ऑन टीवी दैट टाइम, क्योंकि कसौटी द काइंड ऑफ फेम आई गॉट, आज भी सिर्फ बालाजी के से ही मुझे लोग जानते हैं, उसके बाद भी मैंने बहुत सारे शोज किए, लोग जानते ही नहीं, लोगों को लगता है मैं शोज टीवी इंडस्ट्री छोड़ चुका हूँ, आई हैव डन शोज, ऐसा नहीं कि आई हैव नॉट डन शोज, बट द काइंड ऑफ रिकग्निशन दैट आई गॉट फ्रॉम बालाजी एंड बालाजी के पैसे फलते हैं उनके, याद कर रहे हो, हाँ कोई मेरे को भी जॉब दे दो यार। मैं सच बता रहा हूँ, वहाँ के पैसे फलते हैं, बाकी मैंने जो काम किया वैसे पैसे दोबारा नहीं कमा पाया। वो आते हैं और फिर उसी स्पीड से चले भी जाते हैं, हाँ ऐसा होता होगा, कोई बात नहीं। अच्छा व्हाट आई वांट टू आस्क ना कि कई बार ऐसा होता है ना कि हम इतना काम करते हैं इतना काम करते हैं, पर्सनल लाइफ हम पीछे छोड़ देते हैं, यू नो कुछ छूटा है पीछे, आज जब आप देखते हो कि यार ये दोस्त रह गया, वो चीज़ रह गया, वो बाकी है, दैट मेक्स यू इमोशनल या शांत कर दे 10 मिनट के लिए, यार क्या कर दिया आपने? नहीं एक्चुअली कुछ छूटा नहीं, कुछ नहीं छूटा, बिकॉज मुझे बीच में ब्रेक्स भी मिले, बिकॉज मैं 2005 से 2010 शूट कर रहा था, उसके बाद जब सोचा मैं थोड़ा गैप लेता हूँ तो गैप इतना लंबा हो गया कि यार हाउ डू आई गेट बैक टू वर्क नाउ, तो ऐसा लाइफ में कुछ भी नहीं छूटा। आई हैव बीन वेरी ब्लेस्ड एंड लकी, मतलब अभी लास्ट 6 ईयर्स से मैं टीवी से दूर था, बिकॉज फॉर वेरियस रीजन आई वॉन्टेड टू टेक अ ब्रेक। उस समय 2016 में मेरा लास्ट शो था टचनेश ऑन जी टीवी, उसके बाद सोचा वेब सीरीज का जमाना शुरू हुआ था कि मुझे वेब करना है, एक दो वेब शोज भी किए, देन सोचा कि थोड़ा सा सिक्योर कर लेता हूँ अपने आप को, एक्टिंग तो है ही बट एक्टिंग का क्या है, आज है कल नहीं है,
तो वी स्टार्टेड अ प्रोडक्शन हाउस देन वी मेड अ फिल्म जिसके लिए हम लंदन में थे 6 महीना अटैच बोलकर Z5 पे आई वो फिल्म तो एज अ प्रोड्यूसर ऑल्सो आई स्टार्टेड फिर हमने मणिरत्नम के संग एक वेब सीरीज बनाई नेटफ्लिक्स में कॉल्ड डबरसा फिर हमने टी सीरीज के संग एक वेब सीरीज बनाई हॉटस्टार काला का सबसे बड़ा वेब सीरीज काला नाम का शो है ऑन हॉटस्टार फिर अभी आज हमारे फिल्म का प्रोमो भी रिलीज हो रहा है दंगे बोलकर हर्षवर्धन राणे हैं हिंदी एंड तमिल बायलिंगुअल तो ऑफकोर्स आई वॉज कीपिंग माई सेल्फ बिजी मुझे ये इंडस्ट्री बहुत पसंद है इसके संग जुड़ा रहना पसंद है तो कैमरा के सामने नहीं कैमरा के पीछे भी एज अ प्रोड्यूसर मुझे पता चला कितने प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं प्रोड्यूसर को इतना आसान नहीं होता हम लोग तो जाके साइड पे बहुत टैंट्रम्स थ्रो करते हैं पर अब उस तरफ जाने के बाद मुझे समझ में आया कि आसान नहीं है चीजें मैं आऊंगा साइड पे मैं देखूंगा नहीं वैसे मैंने कभी टैंट्रम्स थ्रो नहीं किया आज तक नन ऑफ माय प्रोड्यूसर्स हैव एनी कंप्लेन अगेंस्ट मी बट आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल एक्टर्स जो एक्सेप्ट करते हैं वैनिटी मैन कहाँ है ये क्यों नहीं है वो क्यों नहीं है देयर आर फ्यू एक्टर्स हाँ अभी हम लोग जब शूट कर रहे थे दार्जिलिंग वार्जिलिंग ऊपर पहाड़ों में वहाँ नेटवर्क नहीं वैनिटी जा नहीं सकती तो आपको लोकल यूज करना पड़ेगा जो भी अवेलेबल है तो इट्स नॉट ईजी मैनेजिंग अ क्रू ऑफ 150-200 लोग इज नॉट ईजी When I was pursuing my filmmaking, meanwhile I do theatre also, I'm also an actor. So while I was pursuing, I went for a shoot where Priyanka Chopra was carrying all her clothes ka bag, all her makeup ka bag, because gana tha wo uche pahad ke choti pe, where itne sare log nahi ja sakte. So usko makeup karke, khud chad ke jana tha. And she took everything with her ki wahi touch up ho. Right. और वही सीन करें वहां मैंने वो देखा और फिर जब मैं टीवी में आया पोस्ट डूइंग दैट देन आई डिड माय ऑल फिल्म मेकिंग एंड जनरल बाइट से फिर जब मैं टीवी आई सॉ टीवी में देर आर एक्टर्स जो रीडिंग पे सारा एक्टर्स आ जाते हैं सपोर्टिंग कास्ट आ जाते हैं जस्ट बिकॉज आई एम द लीड आई विल कम लास्ट तो मुझे लेट बुलाना पहले क्यों बुलाया एसी नहीं है एंड दे विल कम अप विद अ मग कॉफी मग टी मग वो मुझे बड़ा अनॉय करता है बीइंग अ थिएटर एक्टर लाइक कि आप रीडिंग करने आ रहे हो दिस इज व्हाट इससे आपका घर चलता है व्हाट इज दिस सो आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया किसी भी सेट पर कोई भी एक्टर किसी भी शो के दौरान कि यार हमारे टाइम की ज़्यादा कदर नहीं है उनके टाइम की कदर हो रही है फॉर्चुनेटली मैंने हर जगह लीड या पायलट लीड प्ले किया है तो ऐसे इंसिडेंट मैंने अपने साथ मेरे साथ तो नहीं हुआ है अनफॉर्चुनेटली आई ऑलवेज बी हैड अ गुड को-स्टार्स बट आई अग्री विद यू बहुत एक्टर्स होते हैं जो सर पर चढ़ जाते हैं एक शो हिट होता है एंड दे जस्ट फ्लाई बट बहुत जल्दी रियलिटी चेक मिल जाता है यहाँ सी आई हैव बीन देयर फॉर 19 इयर्स सवाई आई नो सो मेनी एक्टर्स जो आए स्टार बन गए और आज गायब है आज चले गए उनका कोई नहीं है मैं 2005 में स्टार्ट किया था फर्स्ट कार दैट आई बॉट वॉज इन 2010 मेरे सेट पे पैसा बहुत था मेरे पास आई वाज डूइंग 4 शोज एट अ टाइम पहला गाड़ी मैंने 2005 में शुरू किया आफ्टर 5 इयर्स मेरे शो में जो मेरे भाई बनते थे कैरेक्टर आर्टिस्ट थे उन्होंने मुझसे लोन लेके गाड़ी खरीदा दिल्ली के आए हुए उन लोगों को बस गाड़ी चाहिए पहले बट माय होल आइडिया वाज आई वांट टू बाय अ हाउस फर्स्ट मैं नजबलिया के सेट पे रिक्शा में जाता था एंड पीपल यूज्ड टू वंडर कि नाउ कितना कंजूस है मैं कंजूस नहीं आई वाज ग्राउंडेड मेरे को पता मैं इस लेवल पे हूं इससे नीचे गिर नहीं सकता मैं यहां चढ़ूंगा तो गिरूंगा I have always been happy because you ask me na why do I look young? Because मैं हमेशा ऐसे ही रहा हूँ मुझे उड़ना पसंद नहीं है I stay ground यहाँ से गिर नहीं सकता मैं तो I was that kind of I used to travel in रिक्शा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं तुम आओ सब मेरे से पैसा नहीं लेते मैं बता रहा हूँ मेरे जो भाई भाई शोज में बनते थे उन्होंने गाड़ी खरीदी है एंड आई यूज्ड टू लाइक नहीं भाई मैं अपना घर खरीदूंगा आई एम सिक्योर बिकॉज आई हैव अ हाउस इन अंधेरी लोखंड वाला अ बिग हाउस तो मुझे स्ट्रेस नहीं है मुझे घर की टेंशन नहीं है मुझे खाने पीने के लिए आई हैव सेव मनी और मैंने कभी टैंट्रम्स थ्रो नहीं किया मुझे आई डोंट बिलीव इन ऑल दैट और मैं उससे रिलेट भी नहीं कर पाता आई कम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली एंड आई वैल्यू द मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर किड इज ही गोइंग टू बी द नेक्स्ट एक्टर इन टेलीविजन और फिल्म्स और ओटीटी या यू आर गोइंग टू लेट हिम फ्री कि भाई देखो जो करना है नहीं वो तो हम लोग डिसाइड ही नहीं कर सकते वो वही करेगा जो सुनता ही नहीं है हाँ अभी 3 साल का होने वाला है दिस मंथ इज बर्थडे वो कुछ नहीं सुनता एंड हम लोग की तरफ से कोई प्रेशर नहीं है इनफैक्ट आई जस्ट वॉन्ट हिम कि भैया तू पढ़ लिख ले उसके बाद यू टेक योर ओन डिसीजन वॉट यू वॉन्ट टू डू देर बी एब्सोल्युटली नो प्रेशर हम तो फिर भी बाहर से आए हैं कैलकटा से पूरा पेस हमें नया करना पड़ा चार चार लोगों के साथ हम रूम शेयर कर रहे थे पहली के
आपको एक बेस मिला रहेगा. इफ यू वांट टू डू इट मोस्ट वेलकम. इफ यू वांट टू स्टडी यू गो अब्रॉड व्हाटएवर यू वांट टू डू इट विल जस्ट हेल्प यू इन दैट. 6 साल लंबा गैप होता है. इंडस्ट्री भूल जाती है. लोग भूल जाते हैं. कैसा था ये 6 साल? डू यू लाइक एवरी डे यू शुरुआत में तो खैर मजा आता होगा कि चलो रिलैक्स हो, पर कैसे होती थी सुबह कुछ एक्सटेंड के बाद कि यार आज कुछ ना कुछ ढूंढना है, आज काम करना है. संदीप सिकंद का हाल ही में मैंने इंटरव्यू किया. ही सेड कि मैं ही इज अ गुड एक्टर बाय द वे. मैंने कहा एक्टर क्यों नहीं बन जाती? ही सेड एक्टर्स की लाइफ ना बहुत इनसिक्योर होती है. या तो वो काम कर रहा होता है या तो काम ढूंढ रहा होता है. सो काम ढूंढने वाला स्पैन बड़ा स्कैरी होता है. सो वो जो काम ढूंढने वाला आपका ये स्पैन था वो कैसा था? संदीप वॉज माय क्रिएटिव इन कसम से. अरे ही इज आल्सो फ्रॉम बालाजी. आई थिंक ही वाज द वन जिसने मेरा ऑडिशन एकता तक ले गया था. तो आई एम वेरी थैंकफुल टू संदीप आल्सो. और उसके खर्चे इतने हैं वो तो कभी एक्टिंग नहीं करेगा. बहुत पैसे चाहिए उसको. ब्रांडेड कपड़े और ब्रांडेड इंसान है वो. बट यस सी जब मैंने लास्ट शो खत्म किया था तश्ने इश्क आई वांटेड टू टेक अ ब्रेक एंड सर्वाइवल इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स द रीजन आई वांटेड टू गेट इनटू प्रोडक्शन एंड मेक मनी. ऑफ कोर्स आई वांटेड टू गेट बैक ऑन टेलीविजन बिकॉज फेम एक ऐसा चीज है और एक्टिंग इज माई पैशन. यू ऑलवेज वॉन्ट टू डू इट बट अदर कमिटमेंट्स वर कीपिंग मी बिजी. मतलब टशनेश खत्म हुआ फिर देन आई बॉट अ हाउस आई गॉट मैरिड तो एक साल उसमें बीत गया. देन हम फिल्म कर रहे थे वो तेज बोलते लंडन में शूट था. तो ऑफकोर्स मुझे पता है कि मुझे अगर मार्च में लंडन जाना है तो जनवरी में मुझे बहुत सारे शोज के कॉल्स आ रहे थे. बट आई कुड नॉट इवन गो एंड मीट दोज पीपल बिकॉज मुझे पता है कि मार्च से मैं लंडन जाऊँगा 4-5 महीने के लिए. तो 2019 वैसे निकल गया. 2020 वी कोविड हैपेंड. 2021 माई वाइफ वॉज प्रेगनेंट बेबी हैपेंड एंड हम लोग यहाँ न्यूक्लियर फैमिली है अकेले हैं. तो ऑफकोर्स मैं उसे अकेले छोड़ के नहीं जा सकता सेट पे. बेबी को वाइफ को प्रेग्नेंट तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे बेचारे ने अकेले ने ये साजिश को पूरा किया. नहीं नहीं बहुत प्लान था हमारा और बहुत हम बहुत लकी थे. मतलब कि कोविड हो गया तो दिस वाज गुड एंड इट वाज अ प्लान. 2020 में वी प्लान अ बेबी एंड वी लोग बहुत सफर किए हैं कोविड में. बट मेरे लिए द बेस्ट टाइम वाज कोविड. उससे अच्छा टाइम यू एंजॉयड योर फादरहुड जर्नी. कम ऑन डूड आपने बच्चे को बड़ा होते हुए देखा है. बड़ा हुआ होते हुए देखा और इतने मजे किए हमने कोविड में. खाना बनाना दिन भर टाइम पास करना. इनफैक्ट विद माय फैमिली आल्सो माय डैड जिससे हम लोग बचपन में उतना इंटरेक्ट नहीं किए. कोविड में आई बिकेम वेरी फ्रेंडली विद माय डैड. सेंडिंग मैसेजेस वीडियोस टाइम पास और बात करना उनसे. कोविड के बाद और ज्यादा मैं मतलब अपने फादर से जो कभी थोड़ा ना फादर सन में बॉन्डिंग नहीं थी दैट हैपेंड. सो कोविड फॉर मी वाज अ ब्लेसिंग. मेरे लिए मतलब पर्सनल ऐसे ब्लेसिंग ब्लेसिंग कुछ नहीं. मतलब नहीं नहीं बहुत रिश्तों के लिए वो ब्लेसिंग था. ऑल ओवर वर्ल्ड रिश्तों के लिए वो जरूरी था कि वी शुड रिस्पेक्ट ह्यूमन बीइंग. यस सो दैट हैपेंड. तो फिर वो कुछ ना कुछ काम आते जाते. उसके बाद हमें एक और वेब सीरीज मिल गया था. तो आई वाज बिजी इन दैट. आई वांटेड टू मेक अ कमबैक बट ये सब कमिटमेंट्स के चक्कर में मैं आई कुड नॉट पिक अप अ शो. सो ऑफकोर्स तो पर जब ये शो आया मेरे पास आई वॉज सो हैप्पी. एक तो कैरेक्टर मुझे ऐसा प्ले करने को मिल रहा है. प्लस 2024 के स्टार्ट में द फर्स्ट वीक फॉर मी इट वॉज लाइक व्हाट अ बैंग. मतलब 2024 इज गोना बी ग्रेट. मैं जब प्रोमो देखा आफ्टर सो लॉन्ग माय गॉड बट लुक बदल गया ना. बियर्ड आई इसके पहले बियर्ड बड़े कम थे. इजी वही है. ओके ठीक है राइट. मंगल लक्ष्मी की अगर मैं बात करूँ तो व्हाट आई हैव सीन की बड़ा रूड सा हस्बैंड है यार ये. तो क्यों हो इतने रूड? कैसा मतलब व्हाट मेक्स यू चूज दिस रोल? क्योंकि अब तक आप एक आइडल बेटे चॉकलेट बॉय हैंडसम सा इंसान का रोल प्ले करने वाला खड़ूस पति. व्हाई? बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी हैव अ प्रॉपर कमबैक. मतलब सब ने देख चुका है मुझे. मतलब 19 इयर्स आई हैव डन दैट ओनली अ गुड स्वीट बॉय. दिस इज समथिंग दैट विल बी दैट विल गेट नोटिस्ड. करेक्ट. सो दैट्स द रीजन फॉर मी इट वाज लाइक समथिंग न्यू. कलर्स पर शो आ रहा है. दीपिका इज देयर. चैनल इज वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस शो. सो एवरीथिंग वाज वर्किंग फॉर मी. मतलब यार स्वीट बॉय कहीं ना कहीं वो बहुत मिक्स हो जाता है. एंटैगनिस्ट अभी तो मतलब इट्स द फ्लेवर ऑफ द सीजन. मैं सबको ये बोलता हूँ फ्रॉम एनिमल टू कबीर सिंह. नाना एंटागनिस्ट का ही जमाना है. आई एम टेलिंग यू हीरोइज्म खत्म हो गया है. खत्म हो गया. आप पहले 10 एपिसोड में हीरोइज्म दिखा देते हो उसके बाद आप रो रहे हो मां-बाप के सामने. बस वही चलता है. मैंने बहुत रोया है.
पहला 10 एपिसोड में वो हीरो वाली एंट्री होती है, गाड़ी से आते हैं, म्यूजिक बजते हैं, उसके बाद आप बस क्राउड में खड़े हो हीरो की, एंड देयर इज नथिंग टू डू. यहां पर देयर इज सो मच टू परफॉर्म, सो मच टू डू. सो कभी ग्लिसरीन यूज किया रोने के लिए? इतना यूज किया, एक पॉइंट के बाद ग्लिस लगाता था तो फिर वो आंसू निकलना बंद हो जाते थे. क्या बात है. अरे ऑल माय शोज क्योंकि कसम से कसौटी. जब हीरो बनते हो फिर आपको थोड़े से दुखी भी होते हो और आप आइडियल बेटे हो सिचुएशंस में आप रो ही रहे हो. बहुत रोया मैंने, इनफैक्ट आंखें मतलब रिएक्ट करना बंद कर दी थी. ग्लिसरीन से बेस्ट पार्ट तो ये था, मतलब ग्लिसरीन लगाना पड़ेगा मुझे. इसमें नहीं लगाना पड़ेगा, इसमें नहीं होगा. मेरे कोस्टार्स लगा रहे थे, बेकार बहुत लगाना पड़ेगा. तो बहुत कर रही है मुझसे बेचारी. थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. थैंक यू सो मच, एंड दिस वाज आवर मोस्ट कंफर्टेबल इंटरव्यू. बहुत अच्छा लगा मुझे भी सारे शेयर करने में. इट डिडंट लुक लाइक एन इंटरव्यू, बहुत स्मूथली गया. यस, एंड वी गॉट गुड स्टफ एज़ वेल.